अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंचर जेल में पानी का प्रेशर छोड़ने के लिए काट दिया गया। हुकूमती अहकाम ने सिंध में देहातियों को तहफ़ फराहम करने की मायूस किन कोशिश में इतवार को मंचर जेल पर कट लगा दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती मीठे पानी की जेल मंचर जेल की सूरत हाल पर गुजरते दिन के साथ नाजुक होती जा रही है, जिससे जिला जामशुरू के 5 यूनियन काउंसिल्स के मकीनों की जानों और असासों को खतरा लाग है। साहून हवाई अड्डा एक आयल कंपनी की तनसीब के साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आबाई गांव 5 यूनियन काउंसिल्स बोबक अराजी वहार जाफराबाद और चीना में वाकया है। जामशुरू के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा के हफ्ते के रोज पांचों यूसियों के लोगों को इनगला के अहकाम जारी करते हुए कहा था कि वो महफूज मुकामात पर चले जाएं। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। सैलाब के बाद पीटीआई का लॉन्ग मार्च। शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इतवार को कहा कि पीटीआई के चेयरमैन और माजूर वजीर आजम इमरान खान सैलाब कम होने का इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। रशीद इमरान के करीबी साथी हैं का ये ऐलान एक दिन बाद सामने आया जब पीटीआई के सरबराह ने मुस्लिम लीग ने उनकी ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत को मुतनब्बा किया कि वो अपनी पार्टी के कारकुनों को अदालती मुकदमात पर के जरिए अरसा करने को रोकें, बसूरत दीगर वो एक फिर तवील अरसे तक क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च। शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अवाम पर 608 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस लगाने की मनसूबा बंदी कर रही है। ट्विटर पर AML के सरबराह ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए हुकूमत पर भी हमला किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फवाद ने इमरान और नवाज के दरमियान की पर्दे के पीछे रابطوں की खबर तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने साबिक पर्दे के वज़राए आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान रابطوں की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पीछे पर गर्दिश करने वाली खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर इत्तलाआत ने इतवार को अपने एक बयान में कहा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से पीटीआई चेयरमैन इमरान का मौकफ इंतहाई गैर मुबहम और दो टोक है। किसी गिरोह या अशराफियों को मुल्क से मुस्तकबिल के बारे में फैसले करने का हक नहीं है, इसका फैसला अवाम करेगी। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर पार्टी किसी खुफिया या ऐलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने किसी मनगठित ग्रुप या सियासी जमातों का नाम लिए बगैर मशवरा दिया कि खबरें करने के बजाय इंतखाबात की तारीख पर संजीदगी से गौर किया जाए और ऐलान किया जाए। दोस्तों अगली और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले पर अफगान तालिबान से खामोशी से एहतजाज दर्ज कराया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के इन इल्ज़ाम पर अवामी सतह पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया होगा कि ये मुल्क अमरीकी को अपनी सरजमीन से ड्रोन चलाने की इजाज़त दे रहा है। इस्लामाबाद ने निजी तौर पर काबुल के TF-KITO हुक्मरानों को वाज़ह अल्फाज में आगाह किया कि इस तरह के अवामी इश्तेआल अंग्रेजी दो तरफा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह होगी। सरकारी ज़रिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान कायम मुकाम अफगान वज़ीर दफा के इल्ज़ाम से मायूस हुआ, जो सबका अफगान इंतजामिया की इसी जहनीत की अक्कासी करता है, जिन्होंने इस्लामाबाद पर अपनी हाकमियत का इल्ज़ाम लगाया। ज़रा का कहना है कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा से इस तरह के अवामी बयान की तवक्को नहीं थी। इस हकीकत के पेश नज़र के इस्लामाबाद तालिबान के इकतदार में आने के बाद से अबूरी हुकूमत के लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।